नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने दावा किया है कि बच्चों के रिस्क का कोरोना टीका कोवैक्सीन सुरक्षित और रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने वाला साबित हुआ है। टीका निर्माता की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अध्ययन को स्वीकार कर लिया गया है और इससे लैंसेट इंफेक्शियस डिजीजेस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के लिए विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को मीटिंग बुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें 17 दल शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उम्मीदवार के नाम पर विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन किया था। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे हिंसक आंदोलन के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि कब तक पहले अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। भारतीय सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर यह नोटिफिकेशन जारी होगा। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को मीटिंग बुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें 17 दल शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उम्मीदवार के नाम पर विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन किया था। 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की वार्षिक ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। इसके लिए हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियां जिम्मेदार हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन 12,847 नए केस दर्ज हुए हैं और 14 मरीजों की जान गई है। गुरुवार को 7,985 मरीज कोविड-19 को मात देकर रिकवर भी हुए। अब तक 4,26,82,697 लोग रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट 98.64% है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी आपत्ति जताने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल हो गया है। गुरुवार को अमेरिका ने भारतीय जनता पार्टी को 2 अधिकारियों के बयान की निंदा की है। वहीं उन्होंने इस मामले में भाजपा की कार्रवाई की तारीफ भी की। खास बात यह है कि इससे पहले कई अरब देश पैगंबर पर बयानबाजी को लेकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में गुरुवार को बवाल बढ़ गया। देश के 9 राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में युवाओं ने गुरुवार को आगजनी और पथराव किया है। बिहार के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और लोगों का धन 2021 के दौरान 50% बढ़कर 14 साल के उच्चतर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। इसमें भारत में स्विट्जरलैंड के बैंकों की शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा धन की भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 3 दिन की मोहलत देते हुए शुक्रवार को पूछताछ से छूट दे दी है। अब ईडी राहुल गांधी से सोमवार को पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कोलकाता पहुंचते ही पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला किया है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। अब ममता बनर्जी ने कहा कि दंगा किसी समुदाय के लोग नहीं कराते बल्कि कुछ लालची नेताओं द्वारा कराया जाता है। उनके दिमाग में काला कचरा भरा रहता है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा भाजपा की तरफ था। भीषण गर्मी के बीच लोगों को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इस बार मॉनसून न केवल देर कर रहा है बल्कि बारिश भी अब तक औसत से कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पखवाड़े में 32% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहां एक तरफ मॉनसून की पश्चिमी शाखा एडवांस थी वहीं पूरी दिशा में मॉनसून 3 से 4 घंटे लेट है और जिन इलाकों में मॉनसून पहुंच चुका है वहां भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। पंजाब सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग तिहाड़ जेल में इस तरीके से रची गई मानो कोई फिल्मी स्टोरी हो। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में मूसेवाला की जान लेने की साजिश रची है। इसमें उसकी मदद कनाडा में बैठे उनके गैंगस्टर गोल्डी बरार ने की। गोल्डी बरार की मदद से ही बिश्नोई ने अपने भाई को यूरोप शिफ्ट कराया। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराई गई पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की श्वास नली में संक्रमण और कोविड-19 के बाद की जटिलताओं का उपचार जारी है और वो चिकित्सकों के सघन निगरानी में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की निचली श्वास नली में फंगल संक्रमण का पता चला है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे ₹500 का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का नया कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिकों को ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
ओडिशा सरकार ने कटक जिले के अठागढ़ वन प्रभाग से हाथियों के कंकाल की जान जाने और वहां पर बरामदगी की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक शशि पॉल ने बताया है कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और ये 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि SIT का नेतृत्व वन संरक्षक के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अनुगुल सर्कल करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार सुबह राज्य के अधिकारियों को झटका दिया है। 300 अधिकारियों की टीम ने राज्य भर में 80 जगहों पर 21 कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर छापेमारी की है। ACB के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के घरों और कार्यालयों में छापेमारी की। आरोप है कि इन अधिकारियों के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है। कांग्रेस ने गुरुवार को जयराम रमेश को रणदीप सुरजेवाला की जगह प्रचार संचार और मीडिया का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी की विज्ञप्ति के अनुसार सुरजेवाला को संचार के प्रभारी महासचिव के पद से मुक्त कर दिया गया है, परंतु वो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव के पद पर बने रहेंगे। सचिव KC वेणुगोपाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रमेश को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से सोशल और डिजिटल मीडिया सहित संचार प्रचार और मीडिया का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी ने अपने खाद्य तेलों की कीमत में 15 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की है। मदर डेयरी ने कहा है कि वैश्विक बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नीचे आए हैं, इसी के मद्देनजर उसने ये कदम उठाया है। कंपनी अपने खाद्य तेलों को धारा ब्रांड के तहत बेचती है। बता दें कि धारा सरसों तेल 1 लीटर पॉलीपैक की कीमत 208 रुपए से घटकर 193 रुपए प्रति लीटर करा दी गई है। नूपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भीमसेना के प्रमुख नवाब सतपाल तनवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा IPC की धारा 506, 509 और 153A के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2022 में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या 21 लाख के पार हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 21,15,718 श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं, जहां अभी तक 7,30,027 तीर्थयात्री बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं चार धामों में अब तक 170 यात्रियों की जान जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राजस्थान और नागालैंड को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। दोनों राज्य 2021-22 के दौरान सूखे से प्रभावित रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार समिति ने 1,043.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान को 1,003.95 करोड़ और नागालैंड को 39.28 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां पर चीतों की दोबारा बसाने की कोशिश होगी। 10 नर और 6 मादा चीते लाए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि एक टीम टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका में नाम्बिया के लिए रवाना हो चुकी है। वन विभाग के अनुसार अफ्रीकी चीते दक्षिण अफ्रीका एवं नाम्बिया से पहले ग्वालियर लाए जाएंगे, फिर यहां से सड़क मार्ग के जरिए इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया जाएगा। भवाली एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर कुछ देर तक ड्रोन उड़ने से एयरफोर्स स्टेशन में हड़कंप मच गया है। एयरफोर्स के अधिकारी के द्वारा ड्रोन उड़ाने को लेकर के भवाली कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 देशों के प्रभावशाली समूह के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में गुरुवार को कहा है कि भारत एक मजबूत, एकजुट, समृद्ध आसियान का समर्थन करता है, जिसकी हिंद प्रशांत में केंद्रीयता को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। जयशंकर ने 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़े भारत और आसियान विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण लचीले और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। इस साल बाढ़ के दूसरे चरण में असम के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से कम 18 जिले प्रभावित हैं। मानस नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 74,116 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम्ब को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। प्लम्ब अभी रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। प्लम्ब को बुधवार को डिफेंस फॉर एग्जीबिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया गुजरात यात्रा काफी यादगार रही है। PM 18 जून को एक बार फिर से गुजरात आ रहे हैं। यात्रा PM के लिए विशेष होगी क्योंकि 18 जून को उनकी मां हिराबा 100 साल की हो जाएंगी। 18 जून को उनका जन्मदिन है। वैसे PM जब भी गुजरात आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो अपनी मां से जरूर मिले। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बुधवार को सूरत में स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया है। ये देश में पहली ऐसी सड़क है। मंत्री ने कहा है कि 100% इस्पात प्रसंस्कृत स्लैग का उपयोग करके बनाई गई सड़कें कचरे को संपदा में बदलने और इस्पात संयंत्रों की टिकाऊ क्षमता में सुधार करने का एक वास्तविक उदाहरण है।
सेना में बहाली की नई योजना। अग्निपथ पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर दरभंगा में छात्रों और युवाओं ने रेल ट्रैक को जाम कर दिया है और ट्रेनों को रोका है, लेकिन छात्र युवा बंद का मानवीय सिद्धांत भूल गए हैं। बंद समर्थकों ने दरभंगा के म्यूजियम गुमटी के पास एक निजी स्कूल की बस को रोक दिया। सैकड़ों छात्र युवा के हुजूम में बस फंस गई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है लोकल एफएफ गेमिंग स्टेटस, सौम्या नेमंत, प्रमोद कुमार, अब्दुल सलाम, अखिलेश यादव, संतोष कुमार, कुश कुमार यादव, राजा बाबू, अब्दुल खान, मिथुन चौधरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सेना में बहाली को लेकर देश के कई राज्यों में किया जा रहा विरोध जायज है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।